और अभी हम पहुंचे हैं सीहोर, सीहोर गांव पहुंचे हैं। ये उसका बस स्टैंड है। आज यहां पर थोड़ी कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है। हाँ, रोड बहुत खराब है जो कि सरकार को अच्छे बनाने चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, जो कि रोड नए बनाए ये भी है ना, वो भी एक जैसा नहीं बनाया है। ऊंचा नीचा बनाया है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा इंजीनियर उस पर काम कर रहा था। हाँ, और उसने कहाँ से डिग्री ली है। जहां से डिग्री ली है ना, वो कॉलेज को बंद करवा दो प्लीज। और वहां के जो टीचर थे उनको जेल में डालो और वो बच्चे को भी जेल में। अभी इस उस पे मेरे को एक गाना याद आ रहा है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे। एनीवे, चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं। जॉय द टाइम ट्रैवल्स। अब हम मेन हाईवे छोड़ के ये छोटे वाले रास्ते पे आ चुके हैं। 2 सेकंड का ब्रेक ले लिया, खड़ा हो गया मैं, मेरी सांसें ठीक हो गई। और अभी तक में हमने 50 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, 1.5 घंटा हो गया है मैं घर से निकले हुए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डंडी पेट्रोल की खत्म हो गई है, फुल टंकी करवाई थी हमने। साथ में उनके गोवाल है साथ में। हाँ, बहुत बड़ा झुंड है गायों का, धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। भैंसों का झुंड बहुत बड़ा है, उनको धीरे धीरे से निकाल लेते हैं अपनी जान पे जान बचा के। बाप रे, बहुत बड़ा झुंड है। मेरी तो फट रही है क्योंकि मेरे को गाय से बहुत डर लगता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। बाप रे गाइस, कितना बड़ा झुंड है, मैं कैसे दिखा रहा हूँ। अभी मैं रुक के कैमरा ऊंचा नहीं कर सकता, बट आप देख लीजिए कितना बड़ा झुंड है बाबा। दो सौ मीटर जितना झुंड है बड़ा। डरेगा ही ना, मैं डर रहा हूँ। गोवाल भैया आए हैं हमारे को निकलवाने के लिए। बहुत अच्छे भैया है, बेचारे हेल्प कर रहे हैं ताकि हम निकल सके आराम से, हमारे को रास्ता दिलवा रहे।
बहुत बड़ा झुंड है, बहुत बड़ा। जाते हैं परे, अभी तो और आगे है भाई। गाइस अभी खत्म नहीं हुई है, गाइज। सो फाइनली हम बापू के आश्रम पहुंच गए हैं। काड़ू बापू अभी तक बाहर नहीं आए, वो 11 बजे के करीब करीब बाहर आएंगे, और हीना भी यहाँ पर है। ओके गाइज, सो हमने दर्शन करके निकल गए। वहाँ पर सख्त मनाई थी कैमरा यूज़ करने की। पिछली बार हम गए थे तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, पर इस बार जब हम गए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। सो थोड़ी गाड़ी गर्म हो गई थी, वहाँ से अभी निकले ही है तो धूप में गाड़ी खड़ी थी तो गर्म हो गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी को यहाँ पर रोक के थोड़ी ठंडी होना जाए। तो पेड़ के नीचे मस्त छाँव में खड़े हैं और मस्त बापू के दर्शन हुए। काड़ू बापू की कृपा सब पे बनी रहे। ऑल्सो काड़ू बापू के बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने बहुत सालों से भगवान के उसमें इतने लीन है कि उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। सो वो हम जो इंसान है उनसे बहुत ऊपर जा चुके हैं, मतलब इंसानियत से। मतलब वो इतने लोगों को खाना खिलाते, और आप मानेंगे नहीं, आज प्रसादी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उसकी बात मत पूछो। दाल चावल रोटी सब्जी पकौड़े, फिर क्या था, बूंदी गाँठिया और दो तरीके की मिठाई और लड्डू, हाँ और जलेबी लड्डू। ओ माय गॉड, इतना प्यारा खाना था, इतने आराम से बैठ के खाया। और वहाँ पर धोने वगैरह का सिस्टम भी बहुत है। तो हड़मद्या गांव है, वहाँ पर ये बापू का आश्रम है, और आश्रम का नाम क्या है, मुनि आश्रम। हाँ, आश्रम का नाम है मुनि आश्रम। सो जरूर आइएगा। और रास्ता भी बहुत अच्छा बन गया है। पिछली बार हम आए थे तो हमारा मैगव्हील टूट गया था, यहाँ पर आए थे हम तब। हाँ ठीक है, तो रास्ता बहुत खराब था, तो मैं सजेस्ट नहीं करता आना,
बट अभी एक बहुत अच्छा हो गया कि रास्ता वगैरह सब अच्छा हो गया। अब हम घर की ओर निकलने वाले हैं, हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। सो यहाँ अब चलते हैं, ढाबे पर रुके हैं, पानी वानी पी रहे हैं, बहुत प्यास लगी थी, बहुत धूप है, सो बस घर जा रहे हैं, घर की ओर निकल रहे हैं। रोड अच्छा हो गया है तो अब उम्मीद अच्छी है कि हाँ चलो थोड़ा सा ही ऐसा रोड होगा जो अच्छा नहीं है, बाकी तो रोड अच्छा है। रास्ते में एक जगह पर एक इंजीनियर थोड़ा खराब बना था, उसने रोड खराब बनाया, बाकी तो ओवरऑल रोड ठीक ठाक है। इतनी धूप है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा है, स्ट्रेचिंग करना पड़ रहा है बॉडी को। हाँ गाड़ी देखो कितनी मस्त दिख रही है, अभी साफ सुथरी हो गई है बेचारी, पर इतनी तप गई है। हाँ और एक अच्छा है कि अभी सामने से हवा नहीं आ रही है तो गाड़ी स्मूथली चल पा रही है, और रोड भी थोड़ा अच्छा है, बट हर थोड़ी थोड़ी देर में गांव आ रहे हैं तो बम्पर आ रहे हैं, रोकने पड़ रहा है। हीना की भी वाट लग गई है, हीना को नींद आ रही है फुल ऑन, है ना। चलो अब भावनगर में अगर कचोरी लेनी है तो पंड्या मिठाई वाले संस्कार मंडल पे आ जाइएगा, एक नंबर। मतलब क्या टेस्ट है भाई, क्या टेस्ट है, मतलब सब लोगों को फेल कर दे, गर्मा गर्म एकदम। हम लोग यहाँ से रेगुलर बेसिस पे रोज लेके जाते हैं, मतलब रोज मतलब जब भी फास्ट होता है मम्मी का वगैरह का यहीं से लेके जाते हैं। हाँ दो तीन मतलब अच्छा खासा लिया है हमने।